तो हेलो दोस्तों, आज चलिए चौथे दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे सामान वामान तो पूरा पैक वैक हो चुका है और जो कुछ भी हो देखना है, बस देखते हैं क्या होता है आज का दिन, कहाँ से क्या जाते हैं। अभी निकलते हैं फिलहाल यहाँ से शुरू। तो फाइनली जो कल की प्रॉब्लम थी हमारे जो बैग नीचे जाने की, वो हमें पता चली है कल रात को। यहाँ पे नट चली गई है, अभी इसको फिट करवाते हैं। थोड़ा सा ये नहीं, मुशक्कत के बाद सर हम लोग घुस गए हैं। वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल। तो चलिए आगे चलते हैं द विलेज की ओर। और शायद हमें रास्ता कहीं से कट लेना था, वो पता नहीं चला। अभी भाई साहब लोग मैं वो देख रहे हैं, शायद मैं देखने के बाद पता चलेगा कि करना क्या है भाई। तो यहाँ पे बातचीतें हो रही हैं सर की, जो क्या किया जाए, बोलिए क्या सेवा समिति कर सकते हैं आप सबकी। तो बस ये बहुत अच्छा फील होता है भाई गाइस, कोई कोई हमें मिलता है, पूछता है कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए साहब कुछ डोनेशन भी दे रहे हैं शायद, कि ताकि आप लोग रास्ते में चाय पानी की खर्चे के लिए। बहुत ही अच्छा फील होता है गाइस कि कोई हमें चलिए मोटिवेट कर रहा है कि आगे चले। सफ़र के चौथे दिन में ये हमारा हाल हो चुका है। आज हमारी साइकिल हो चुकी है पंचर। बहुत ही अच्छा नहीं गया आज का दिन तो, आज बहुत कम ही चले हैं, ज़्यादा तो चले नहीं हैं। आज देख सकते हैं अभी ये रिपेयर पे लगी है और हमारे मित्रगण शायद पीछे होंगे, वो पंप में गए पानी लेने के लिए। पता नहीं इसमें क्या घुसी है क्या नहीं, देखते हैं अब क्या है नहीं है। यहाँ खड़ी कर दी है अपनी साइकिल, वहाँ हमारे मित्रगण किए हैं और यहाँ पे लगा हुआ था माता जी का भंडारा, जो लंगर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ से लेके खाना वाना खाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा है, हलवा हलवा अभी दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, लटको भाई लटको। चलो चलते, भाई साहब मिल गए हमें, जो कि पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। अच्छा फील होता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। इनका सेटअप देख के अच्छा लगा हमें, ग्लव्स वेटअप सब कुछ, मोबाइल होल्डर। तो ये देखो भाई साहब ये नज़ारे, ये हड्डे बड्डे खेत खेतानो, अच्छी खुशबू। ये रोड साइड को आप देख ही सकते हो। बड़ी मुशक्कत हो रही थी ये नज़ारों में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइस ये सब नज़ारे देखते हुए। और हमें जाना है रूपनगर, रूपनगढ़ कुराली की ओर। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे रूपनगढ़ कुराली। तो चलिए, तो ये साइड आप देख सकते हैं कि ये साइड तो मतलब खेती वेती करते हैं, यहाँ पे सब आत्मनिर्भर है, खेती वेती सब करते हैं, पशुपालन भी रखा हुआ है, गुड़ का भी तैयारी करता है। मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है एकदम संतरे की और गुड़ की, मतलब फील हो रहा है भाई कि भाई साहब ये रोड देख सकते हो आप, गजब का एकदम गड़ 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 कर रहा एकदम पूरा एकदम। आवाज़ भी शायद उसी तरह हो रहा है, गड़ 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 गड़। वो रोड थोड़ी चिकनी और सॉफ्ट है, लेकिन ये रोड पता नहीं किसके लिए ऐसे बनाई है, या फिर शायद मरम्मत नहीं हुई होगी। लेकिन ये बाकी हरे भरे का नज़ारा बस। चलिए आगे बने रहिए। तो भाई एक बंदा मिला था अभी, वो मेरी साइकिल थोड़ा राइड कर रहा है, पता नहीं वो गिराएगा कि क्या करेगा। तो ये देखो मेरी साइकिल आ रही है, आराम से रोक ले भाई, आराम से रोक ले, गिराने नहीं।
नहीं भाई नेक्स्ट टाइम। हरे भरे नज़ारों के साथ गाड़ियां आती जाती रहती है। जय सूर्यदेव की जय। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने रहिए।